नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। उत्तराखंड के उपचुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55,025 मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस उपचुनाव में कोई भी विपक्षी दल अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया। इसी ऐतिहासिक जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए रानीखेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सुभाष चौक में प्रदेश के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देकर मिठाई बांटी। इसके साथ ही वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश और देश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला उपाध्यक्ष विमल भट्ट द्वारा किया गया और अध्यक्षता नगर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जसवाल द्वारा की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के साथ ही उत्तराखंड में नया इतिहास जुड़ गया है। उपचुनाव में उनकी जीत तो पहले से ही तय थी, लेकिन सीएम धामी के लिए जीत से ज्यादा रिकॉर्ड के मायने थे और रिकॉर्ड जीत के लिए टीम धामी ने मजबूती से काम किया। चंपावत उपचुनाव में 58,000 से अधिक वोटों से जीत का नया कीर्तिमान रच दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को करारी मात देकर यह ऐतिहासिक जीत अपने नाम की। तो ये थी हमारे संवाददाता बलवंत सिंह रावत की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।